मई के महीने का पहला दिन यानी फर्स्ट ऑफ मई पूरी दुनिया में मई डे के रूप में मनाया जाता है, जिसे इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर डे भी कहा जाता है। 80 से ज्यादा देशों में मई डे नेशनल हॉलीडे का दर्जा रखता है और कई देशों में इसे अनऑफिशियली सेलिब्रेट किया जाता है। 1873 से 1879 की मंदी के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। उन दिनों वर्कर्स 9 से 14 घंटों तक काम करते थे। उन्हें हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता था। उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई थी। इन्हीं हालात के चलते कई सारी लेबर पार्टीज और ट्रेड यूनियंस बन गई थी। सबका खास मुद्दा था कि वर्कर्स को हफ्ते में 2 दिन आराम करने का मौका मिले और रोजाना 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाया जाए। इसके अलावा उनको छुट्टी वाले दिन के भी पैसे दिए जाएं। यूनाइटेड स्टेट्स में उस समय शिकागो ही उत्पादन का मुख्य केंद्र था। 1 मई 1886 को वर्कर्स ने अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए शिकागो के हे मार्केट चौक पर प्रदर्शन करना शुरू किया। सब कुछ शांति से चल रहा था, लेकिन 4 मई को एक अजीब घटना घटी। पुलिस भीड़ को काबू कर रही थी कि तभी किसी अनजान व्यक्ति ने पुलिस पर बम फेंक दिया, फिर गोली चली। 7 पुलिस वाले मारे गए। भगदड़ मच गई, कई जख्मी हुए। इस साजिश के लिए 8 अनार्किस्ट को, सरल भाषा में कहें तो 8 अराजकतावादियों को जिम्मेदार ठहराया गया और सजा दी गई। आज भी पूरी दुनिया में मई का पहला दिन उस घटना की याद में मनाया जाता है। आज भी मजदूरों के काम से जुड़े किसी भी किस्म के विरोध या रैली के लिए पहली मई का दिन चुना जाता है। हिंदुस्तान में पहली बार मई डे 1 मई 1923 को मद्रास में मनाया गया, जब हिंदुस्तान की लेबर किसान पार्टी ने मद्रास हाई कोर्ट के सामने बीच पर मीटिंग रखी। इस दिन पहली बार भारत में लाल रंग का झंडा इस्तेमाल किया गया। तब से लेकर आज तक भारत में मई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा।